दोस्तों ये बात तो एकदम सच्ची है कि लड़कियां अगर अपने पर उतर जाए तो उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता है। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये नई वेब सीरीज। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्काई रोजो वेब सीरीज के बारे में, जिसे रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों ये वेब सीरीज 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे स्पेनिश में पहले रिलीज की गई थी और बाद में इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक डांस बार से, जहां पर कुछ लड़कियां काम कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही उन लड़कियों का पंगा उनके बॉस के साथ हो जाता है और उन्हीं में से एक लड़की उनके बॉस के सर के ऊपर मार के वहां से भाग जाती है। लेकिन उस डांस बार के बॉस के कुछ दोस्त उन सभी लड़कियों को किसी भी तरह से खोज के निकालना चाहते हैं और उन्हें पनिश करना चाहते हैं, और लास्ट तक वो सभी उन लड़कियों को खोज के निकालने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, और दूसरी तरफ वो लड़कियां अपने आप को किस तरह अपने बॉस के हाथों से बचाती है या नहीं बचाती है, ये सारी की सारी चीजें रिवील करने के लिए आपको इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज की स्टोरी में हल्की फुल्की कॉमेडी ऐड की गई है, जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। कंप्लीट वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, या फिर कह सकते हैं कि ये कंप्लीट वेब सीरीज एक्चुअल में एक चीजिंग वेब सीरीज है, जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये वेब सीरीज मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों ये वेब सीरीज मुझे काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसकी स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी और मैं अगर इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.6 स्टार, क्योंकि मेरे लिए ये वेब सीरीज काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हर एक एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है और आप किसी भी एपिसोड को देखते वक्त किसी भी तरह की बोरियत फील नहीं करेंगे। बहुतों के मन में अभी भी ये सवाल है कि हम इस वेब सीरीज को देखें या ना देखें। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि ये वेब सीरीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं, ये वेब सीरीज आपको भी काफी हद तक बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।